नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी के जन आक्रोश रैली के बारे में कहा कि राहुल गांधी को देश से क्षमा मांगनी चाहिए। 70 वर्षों में से 60 वर्षों तक उनकी ही सरकार रही है और अब 4 वर्षों में जनाक्रोश रैली कर रहे हो। 60 साल तुमने क्या किया? किसानों और गरीबों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और अब उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब चुनाव मिलकर लड़ें या अकेले लड़ें। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा टापर्स को लैपटॉप देने वाले बयान पर कहा, जो पहले दिया था वह कितने चल रहे हैं, अब उसी का हिसाब किताब हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिले के रोड का पैसा लैपटॉप में लगा दिया गया था, लेकिन खुद की पार्टी द्वारा लैपटॉप और फ्री में डेटा देने के बारे में बताना वो शायद भूल गई, जो छात्र छात्राओं को अब तक नहीं मिला, जो यूपी चुनाव में उनकी पार्टी के एजेंडे में शामिल था। क्यों, मुझे लग रहा है कि दूसरे दलों पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। हमारा काम है, हमारी सरकार का काम है जनता के लिए काम करना। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। अब दूसरे दल जो बोल रहे हैं उनकी बौखलाहट है। कल ही आपने देखा कि राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली की। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को देश से क्षमा मांगना चाहिए। 70 वर्षों में 60 वर्ष तुम्हारी सरकार रही है, 4 वर्ष में तुम जन आक्रोश रैली कर रहे हो। 60 साल में क्या किया तुमने? आज जनता को कहाँ खड़ा किया है? किसान की बदहाली का जिम्मेदार कौन? गरीबों की बदहाली का जिम्मेदार कौन? मैं इतने कह सकती हूँ कि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मिल के लड़ें कि अकेले लड़ें।